भानपुरा नगर के मुख्य बस स्टैंड पर पुलिस, नगर पालिका व तहसीलदार के सहयोग से मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाई की गई। हफ्ते में यह दूसरी कार्रवाई है। प्रशासन द्वारा की गई हमारे संवाददाता द्वारा बात करने पर तहसीलदार द्वारा बताया गया है कि एक सप्ताह में दूसरी बार हमारे द्वारा चालानी कार्रवाई की गई है। पहले हमने 25 चालान काटे थे और आज 40 चालान काटे हैं। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि शासन के निर्देशों का पालन करें। अभी वर्तमान में 15 से 17 केस कोरोना पॉजिटिव हैं और उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि अगर फिर भी लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आगे और भी बड़ा चालान वसूल। आज चालानी कार्रवाई की जा रही है, किस चीज़ को लेकर की जा रही है? कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क पहनने की हिदायतों के लिए चालानी कार्रवाई की जा रही है। अभी वर्तमान में लगभग कितने चालान काट चुके होंगे आप? लगभग 40 चालान हो चुके हैं। कोविड पहले कार्रवाई कब हुई? चालानी कार्रवाई 2 दिन पहले हुई थी, इससे पहले चालानी कार्रवाई। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम डेली चालानी कार्रवाई करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भी आएगी, इसके द्वारा उनको समझाइश देकर छोड़ा भी जाएगा, जरूरत पड़ने पर चालान भी काटा जाएगा। चालानी कार्रवाई के दौरान आप किस तरह की हिदायत लोगों को दे रहे हैं? मास्क पहनने के लिए, जब शॉप पर जाते किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए ये हिदायतें दी जा रही है। सर, आज भानपुरा नगर में किस चीज़ को लेकर कार्रवाई की जा रही है? ये भानपुरा में आज चौराहे पर मास्क को लेकर के नगर परिषद भानपुरा, तहसीलदार साहब भानपुरा और पुलिस की टीम मिलकर के संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। अभी वर्तमान में भानपुरा नगर में कितने कोरोना के एक्टिव केस हैं? करीब 15 से 17 केस यहाँ पे अभी एक्टिव केस चल रहे हैं। आपके द्वारा लोगों को क्या हिदायत दी जा रही है चालानी कार्रवाई के साथ में? लोगों को बताया जा रहा है कि कोविड के नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज़ करें, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा दूरी बनाए रखें। अभी वर्तमान में कितने लोगों से चालानी कार्रवाई की जा चुकी है? करीब 40 चालान यहाँ कट चुके हैं। कैनन न्यूज़ के लिए भानपुरा से सत्यनारायण बैरागी की रिपोर्ट।